hello everyone my name is chandan and i am your computer mentor from resonance pccp junior division in last class we have discussed about the system software like operating system and functions of operating system now in this video we are going to discuss about the programming software and some of the utility software and the windows default utilities okay now what is the programming software a programming software is a

ओके नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अपन क्या करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर का जो क्रिएशन होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है ओके okay? अच्छा अब ये जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं इनमें बेसिकली कंपाइलर्स आते हैं असेंबलर्स आते हैं डीबगर्स आते हैं एंड इंटरप्रेटर्स आते हैं ओके नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है या फिर कोई असेंबली लैंग्वेज भी होती है तो बेसिकली सी और सी प्लस प्लस जो है आपकी ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है कंपाइल्ड लैंग्वेज मतलब जो भी इनका कोड लिखा हुआ होता है वो ए ही बार में कंपाइलर के थ्रू ए ही बार में कंपाइल कर दिया जाता है और उसकी सारी एरर ए की वन टाइम में शो कर दी जाती है कंपाइलर कंपाइलर के द्वारा ओके नाउ असेंबलर जो होता है असेंबलर जो होता है आपका असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ना वॉट इज मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज इज बेसिकली मशीन लैंग्वेज जो होती है वो आपकी जीरो और वन की फॉर्म में होती है ओके okay, आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो जीरो और वन की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को समझता है इसलिए जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है असेंबलर आपके असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है डी जब यूज़ किए जाते हैं जब कोई कोड को रन टाइम में एरर फाइंड करने के लिए डी का यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग कोड को रन टाइम में एरर फाइंड करने के लिए डी का यूज़ किया जाता है नाउ वॉट इज़ इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर इज ऑल्सो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसका यूज़ कब किया जाता है जैसे कंपाइलर में तो वन टाइम में सभी एरर को की बार में फाइंड कर दिया जाता है और एक ही टाइम में जो है पूरे प्रोग्राम को रन कर दिया जाता है लेकिन इंटरप्रेटर वैसा नहीं करता इंटरप्रेटर क्या करता है आपके प्रोग्रामिंग कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है और लाइन बाय लाइन एरर जो है वो जनरेट करता है कुछ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो कि इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर इनबिल्ट होते हैं जैसे नोट पैड प्लस प्लस हो गया विजुअल स्टूडियो कोड हो गया एंड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ये सभी क्या है ये सभी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है और इनके अंदर इनबिल्ट होते हैं कंपाइलर असेंबलर डीबगर्स एंड इंटरप्रेटर ओके नाउ नेक्स्ट वन इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेमोरी उसके हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने में काम में आते हैं ओके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मैनेज करते हैं तो आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली दे आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू मैनेज ओके दे आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन तीनों को मैनेज करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज़ में आते हैं कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके सामने जैसे फर्स्ट वन इज बैकअप यूटिलिटी अच्छा विंडोज़ में जो है आपके डिफ़ॉल्ट बैकअप यूटिलिटी होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हो किसी भी फाइल का बैकअप क्रिएट कर लेते हो अब वो बैकअप किस लिए क्रिएट किया जाता है मान लीजिए कोई फाइल आपकी अनवांटेडली डिलीट हो जाती है आपके सिस्टम से तो आप उस फाइल का बैकअप से उस फाइल को क्या कर सकते हो री कर सकते हो इसलिए बैकअप यूटिलिटी एक क्या डिफॉल्ट विंडोज सॉफ्टवेयर है ओके okay? नाउ बैकअप यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा इट इज़ यूज फॉर कीपिंग द बैकअप फाइल्स फॉर इमरजेंसी इमरजेंसी के लिए बैकअप फाइल क्रिएट करने के लिए बैकअप यूटिलिटी काम में आता है विंडोज बैकअप एंड री स्टोर इज द डिफॉल्ट विंडोज बैकअप यूटिलिटी ओके नाउ नेक्स्ट वन इज डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम अब डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम क्या होता है बेसिकली जब ये आपकी मैम कंप्यूटर की मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम में जो भी लार्ज साइज की फाइल्स होती है उन्हें कंप्रेस करके स्मॉलर साइज में कन्वर्ट किया जाता है जिससे क्या होता है कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो बिल्कुल ही लेस स्पेस कवर करती है जो फाइल्स होती है वो कंप्यूटर की मेमोरी में जो है बिल्कुल ही लेस स्पेस कवर करती है ओके okay? जिससे कि कंप्यूटर अपनी स्पीड से वर्क कर सकता है इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकता है ओके नाउ डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम इज यूज टू कंप्रेस अ लार्ज फाइल इनटू अ स्मॉलर साइज लार्ज फाइल लार्ज साइज की फाइल्स को स्मॉलर साइज में कन्वर्ट करने के लिए डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है किस लिए सो दैट इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस एंड ईजी ईजी टू स्टोर ईजी टू स्टोर हो हो जाए ताकि फाइल ओके विनजिप एग्जांपल ऑफ फाइल। जब आप किसी भी फाइल को कंप्रेस करते हो तो या तो विनजिप फॉर्मेट में होती है या फिर फॉर्मेट में होती है ओके सो so ये आइकन कुछ ऐसा शो होता है ये आइकन है आपका विंडरार फॉर्मेट का विंडरार एंड दिस दिस वन इज फॉर विनजिप ओके सो डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम किस लिए लार्ज साइज़ की फाइल्स को स्मॉलर साइज में कंप्रेस करने के लिए डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है नाउ नेक्स्ट वन इज़ डिस्क डी अब डिस्क डी एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ कंप्यूटर के मेमोरी ब्लॉक्स को रीअरेंज करने के लिए किया जाता है ओके okay, पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और वैसे ही समझेंगे द मेमरी ऑफ अ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इन टू अ स्मॉल ब्लॉक्स ओके ये इमेज देख रहे हैं आप तो ये कंप्यूटर की बेसिकली एक मेमरी है जो कि स्मॉलर ब्लॉक्स में डिवाइडेड है ये फ्री स्पेसिस है और दिस वन इज फिल्ड स्पेसिस विद द फाइल्स ओके द फाइल्स आर स्टोर्ड इन स्टोर ब्लॉक्स ऑफ स्पेस कुछ फाइल्स होती है जो कंटिन्यूस ब्लॉक्स में स्टोर होती है कंप्यूटर की मेमोरी में लेकिन जब हम कुछ अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करते हैं तो वो जो फाइल्स का जो स्पेस होता है डिलीटेड फाइल्स का स्पेस वो बिल्कुल ब्लैंकली क्रिएटेड हो जाता है अब ये जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में जो डी होती है वो डी बेसिकली उन फाइल्स को पर्टिकुलरली उन फाइल्स को एक कंटिन्यूस ब्लॉक्स में प्लेस करने में काम आता है डी टेक्निक Uh, when a file is deleted from the computer a part of that space becomes free computer ki file se computer ki memory se jab koi bhi file delete hoti hai to space jo hai wo free ho jata hai when a new file is saved on the computer some part of it is saved on the first available free space jab bhi aur fir jab koi dusri file apan वहाँ पर download करते हैं या फिर कोई भी file save करते हैं तो वो एक जो first space जो भी मिलता है उसे memory block में वहाँ पर सेव हो जाती है ओके सो so, इसकी वजह से क्या होता है जो भी फ्री स्पेस होता है वो फ्री रह जाता है और वो रीअरेंज नहीं हो पाता इसलिए डिस्क डीफ्रैगिंग टेक्निक का यूज करके उन फाइल्स को एक कंटिन्यूस ब्लॉक्स में प्लेस कर दिया जाता है सो बेसिकली दिस इमेज इज शोइंग जो भी फाइल्स है ये अरेंज नहीं है लेकिन जब डीफ्रैगिंग आप कंप्यूटर की मेमोरी में परफॉर्म करोगे या कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म करोगे एज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो वो आपकी फाइल्स को क्या कर देगा रीअरेंज कर देगा ओके okay? सो so, ये रीअरेंज करने से क्या होगा आपकी कंप्यूटर की मेमोरी या कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो होगी थोड़ी फास्ट हो जाएगी ओके आफ्टर सम टाइम्स द फाइल गेट स्टोर्ड इन वेरियस फ्रेगमेंट्स विथ स्लोज डाउन द स्पीड अलग अलग स्लॉट्स में जो है कंप्यूटर की मेमोरी में फाइल स्टोर है तो वो क्या होगी कंप्यूटर की स्पीड स्लो होगी सो इसीलिए डिस्क डी फ्रेगमेंटर organizes the fragments of files into continuous blocks to improve performance of the computer. Defragging technique से ये सभी files एक particular row में continuous blocks में store हो गई है, जिससे कि computer की memory क्या होती है? Computer की memory fast हो जाती है और उसकी performance जो है fast हो जाती है. Now virus scanner. It is the fourth type of utility software. Windows का अपना भी एक uh, utility software होता है. Virus scanner विंडोज का अपना डिफॉल्ट वायरस स्कैनर होता है आ, अच्छा कुछ वायरस स्कैनर्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये है क्विक नोट ऑन उनके ये आइकन हैं उनके लोगोज़ हैं ये कैसे दिखते हैं ओके सॉफ्टवेयर्स इट इज़ यूज टू स्कैन द कंप्यूटर फॉर वायरसेस अमंग फाइल्स एंड फोल्डर्स किसी भी फाइल्स ऑफ किसी भी फाइल और फोल्डर के बीच में जब कोई टेक् वायरस क्रिएट हो जाता है या वायरस आ जाता है तो उनके लिए एंटी वायरसेस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है क्विक हील एंड नॉट ऑन एक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर हैं ओके इट स्कैंस द डिस्क इच टाइम यू इंसर्ट इट इंटू अ कंप्यूटर और वेनएवर द कंप्यूटर इज़ बूटेड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटी वायरस या कभी भी अपन कंप्यूटर की कंप्यूटर को बूट करते हैं तो ये एंटी वायरस सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं अपना काम करते हैं ताकि वायरसेस को हटा सकें कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं क्विक हील नॉट ऑन एटसेक्ट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर अब दिस वन इज द क्विक ही लोगो एंड दिस वन इज नॉट ऑन लोगो सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में इतना ही थैंक यू